सुमेरपुर में मतगणना को लेकर जनता के साथ साथ नेताओं के बीच चर्चा होने लगी है। एग्जिट पोल आने के बाद सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। सभी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर का मुकाबला देखा जा रहा है। एग्जिट पोल में इस बार चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। इस बार जो अशोक गहलोत की जो योजना है, चिरंजीवी योजना है, उनकी जो ओपीएस की जो पेंशन योजना है, ये जो ये महंगाई राहत कैंप के द्वारा जो कार्यक्रम किए गए हैं, उस राहत कैंप के ऊपर जो लोगों ने भयंकर मतदान किया है, और मतदान जो खुल्लम खुल्ला जो लोग बीजेपी के समर्थक थे उन्होंने भी कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया, इससे ऐसा लग रहा है कि आने वाली 3 तारीख को कांग्रेस के की विजय हो सकती है। एग्जिट पोल में लगभग 6 चैनल है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना कहा है। दो एग्जिट पोल ऐसे हैं जिन्होंने कांटे की टक्कर बताया और एक ने कांग्रेस का बताया, तो ज्यादातर संभावना भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी ऐसा मानना है। ये जो बहुमत दे रहे हैं मतलब कुछ दे रहे हैं ये सही बात है, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस सरकार पूर्ण बहुमत से मतलब सरकार बनाने जा रही है। इसका रीजन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय ने इतनी जो बड़ी बड़ी योजनाएं चलाई थी, जैसे कि ये अपने चिरंजीवी योजना है, महिलाओं को बस में आधा किराया है और मोबाइल है, और भी कई योजना है जो महिलाओं को और अपने हर वर्ग को, जैसे कि प्रसाद सिंह शहरों के संघ है राजस्थान में, ऐसी योजना लेकर आए थे। महंगाई राहत कैंप है, इसको लेकर के जो बम्पर वोटिंग हुई है और कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग हुई है, इससे राजस्थान में कांग्रेस सरकार पूर्ण बहुमत से मतलब बना रही है। मैं प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और यह हमारे उच्चतर नेताओं ने पहले ही बता दिया था कि इस बार जो है परिवर्तन का माहौल है, और आम जनमानस में सब जगह जहां पर भी सभाएं होती थी या चुनावी माहौल में, सब जगह पर भारतीय जनता पार्टी का रुझान पहले ही पता चल चुका है।